आपको खुद का बेटर वर्जन होना चाहिए। दुनिया तो वर्सेस वर्सेस करती रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब ये बात पुरानी हो गई है कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पहले T20I मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दी। अब कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। अब जो बातचीत का दायरा रहने वाला है ना, वो हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच में है। मतलब एक तरफ नए नवेले कप्तान है तो दूसरी तरफ नए नवेले उप कप्तान। भाई वाह, मौज आएगी। अब ऐसे 3 रीजंस पर बात होगी जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पांड्या पंत से ज्यादा बेहतर कप्तान होते अब हुए नहीं, इसीलिए तो बात करेंगे, क्योंकि दूसरा पहलू जानना ही चाहिए। अब अगर KL राहुल इंजर्ड ना हुए होते तो ये बात थोड़ी ना हो रही होती और अब वीडियो थोड़ी ना बना रहे होते। तो बंद गया है माहौल। अब आप लोगों से ये विनम्रता से निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। फिर कुछ अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बताइएगा, हम सुधार करेंगे। और हाँ, ऑफेंड तो कतई मत हो जाइएगा। तो 3 रीजंस बता रहे हैं कि क्यों हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत से बेहतर चॉइस होते कप्तान के तौर पर। तो नंबर 3 पर आता है कारण, पंत थोड़ा हड़बड़ टाइप्स दिखते हैं एडिशनल जिम्मेदारी उठाने में, वहीं पांड्या साहब मस्त ही दिखते हैं। तो विस्तार से बात करते हैं। अब देखो, डिफरेंस तो साफ दिखता है दोनों में। अब पंत थोड़ा सा अजीब से हो जाते हैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, और वहीं एक ने तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और फिर क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। अब जब भी पंत बैटिंग करने उतरते हैं तो ऐसा लगता है उनपे एक बैगेज है या फिर दिमाग में कप्तानी ही चल रही है। तभी आपने नोटिस किया होगा पंत एज अ कैप्टन बैटिंग में बहुत केयरफुल हो जाते हैं, वो अपने नेचुरल गेम को खुल के नहीं खेल पाते। वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि जब वो कप्तान नहीं होते हैं तो शॉट्स देखिए, हर ही गेंद पे रगड़ा लगता है। ज्यादा फर्जी में एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो गेम है वो तो है भैया। अब हार्दिक पे बात यहाँ की जाए तो केस ही एकदम डिफरेंट है इनका। इन पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो भैया और निखर के सामने आ गए। अब क्या ही बैटिंग, फील्डिंग या फिर बोलिंग हो, सब ही करके दे रहे थे ये अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकले। अब याद करिए, कब ये आए हैं टीम इंडिया के लिए बैटिंग नंबर 4 पर करने के लिए? टाइटंस के समय की डिमांड थी तो अपने आप को उस तरीके से सूट किया इन्होंने और बहुत आराम से नंबर 4 पर कैरी किया अपने आप को कंडीशन के मुताबिक। ऐसे मैं हार्दिक का फैन नहीं हूं, लेकिन कुछ अलग तो दिखा इस बार इनमें। दूसरा रीजन, ऋषभ पंत की शॉर्टकमिंग्स एज अ कैप्टन। अब देखो यार, पंत अपने बहुत ही अर्ली डेज में है करियर के, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो जानदार प्लेयर नहीं है, लेकिन अभी ये बहुत परिपक्व और मजे हुए से नहीं दिखते हैं कप्तान के रोल में। अब इनके टैक्टिकल मूव्स पर तो कभी कभी सवाल उठ ही गए, और भैया नर्वस भी हो जाते हैं अंडर प्रेशर जब कप्तान होते हैं। वरना याद करो, ऑस्ट्रेलिया गए थे और विकेट के पीछे से ऑस्ट्रेलियंस के कान में से धुआं निकाल दिया था। अब पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध हमने ये देखा कि उन्होंने युजवेंद्र चहल से मात्र 2 ही ओवर फेंकवाए। अरे भैया, अगला बंदा पर्पल टोपी जीत के आया है अभी अभी, 27 शिकार करके खून में उबाल है उसके, लेकिन ठंडा कर दिया। देखो, बैक करना पड़ता है, विश्वास दिखाना पड़ता है, फिर प्लेयर जाके बनता है। और यूजी तो खुद ही एग्जांपल है, जब धोनी उन्हें गाइड करते थे तो हम सबने देखा कितनी जबरदस्त गेंदबाजी करी उन्होंने। और हाँ, वो टिम डेविड वाला किस्सा तो याद ही होगा, अब वो तो आप भूल नहीं पाओगे। जब पंत साहब ने रिव्यू नहीं लिया, स्क्रीन पे आया कि डेविड ने निक कर दी है बॉल, उसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली बाहर हो गई और मुंबई मैच जीत गई। आखिरी लीग फिक्स्चर था दिल्ली का वो। और यहीं पे बात अगर पांड्या की करें तो उन्होंने यश दयाल, साई किशोर जैसे युवा बॉलर्स को कितना सही बैक किया, बॉलिंग करवाई और फिर उन्होंने मैच बना के दिए। अब हम हार्दिक को IPL के बेस पर ही जज कर सकते हैं क्योंकि हमने उनका वहीं पर रौला देखा है, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल फिक्स्चर्स अलग होते हैं। तो ये दूसरा रीजन है जहां हार्दिक ऋषभ से 1 पॉइंट ज्यादा स्कोर करते हैं। और हाँ, उम्र कोई चीज नहीं होती भैया, आपको तो याद होगा ग्रीम स्मिथ के बारे में, कितने सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे साउथ अफ्रीका की टीम में, तो उनको कप्तान बनाया गया था। और फिर क्या, इतिहास ही गवाह है। फिर ठीक ठाक लग रहा है मामला। कल की इंडिया साउथ अफ्रीका रिव्यू वाली वीडियो देखी कि नहीं? नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर हॉक देंगे उसे, देखना ठीक है। तो फिर आओ पहले कारण के बारे में बात करते हैं। हार्दिक ने प्रूव किया है अपने आप को T20 फॉर्मेट में, अब इस पे बात करी जाएगी। हैंड्स डाउन कप्तानी जबर करी पांड्या ने IPL 2022 में।
अब आप चाहे उन्हें अच्छा मानो या फिर बुरा मानो, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जीटी का सबने निपटारा कर दिया था। हाँ, एक जगह की बात थी जब हार्दिक का रिएक्शन आया था मोहम्मद शामी के ऊपर फील्डिंग पर, और उसके लिए बहुत बुरा ट्रोल हुए थे भाई साहब, वहां से सुधार किया इन्होंने। पता नहीं कौन सा सिरप ले लिया काम और कंपोजर का कि भैया मौज में ही आ गए। हार्दिक ने ना कॉम्प्लिकेट नहीं किया साइड को बिल्कुल भी, बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने से भी बचे। तभी तो गुजरात के पास बहुत से सितारे नहीं थे टीम में, अब हो गए हैं, लेकिन तब नहीं माना जा रहा था इन्हें। तब पर इतना डोमिनेट किया इन्होंने कि डेब्यू सीजन में ही ट्रॉफी उठा ली। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा नेशनल साइड को लीड करना किसी भी फ्रेंचाइज को लीड करने से बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन जब आप एक यंग स्क्वाड लेकर उतरते हो ना, तब फिर आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। अब हार्दिक अभी भी अपना वो टाइटंस वाला टच लेकर चल रहे हैं। इसका मामला उन्होंने दिखा दिया था 31 रन की पारी खेलकर महज 12 गेंदों पर। तो ये सब कुछ बातें हैं जो फेवर में जाती हैं हार्दिक बेटर कैप्टन हो सकते थे ऋषभ से, और पहले तो काफी रिपोर्ट्स आ भी रही थी। और हाँ, इस वीडियो से मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि ऋषभ पंत आगे कप्तान मटेरियल नहीं है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बात सही होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझसे कुछ भी छूटा होगा पॉइंट जो आपको लगे ऐड करना चाहिए, या फिर मेरी कोई भी बात से असहमति हो, तो कमेंट बॉक्स पर फेंक फाक मचा देना। तो कैसी लगी वीडियो बंधुओं? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना आप ही को करना होगा, और कोई आके थोड़ी ना करेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर दोस्तों, अच्छा सा माना जाता है इसे। बेल आइकॉन को तड़ से दबा देना ताकि जैसे ही हम वीडियो डाले वैसे ही फट से आपको मिल जाए, वरना वीडियो नहीं आती है आपके पास मित्रों, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। सुविधा अनुसार वीडियो देखेगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।